जो तेरा लो निकले तो मेरा घाट तुम्हारा, मैं तुम्हारी। जंगल जाल, सौ रास्ते सौ गलत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोग के साथ एक नया शूटिंग लोकेशन लेकर के। दोस्तों एक फिल्म आई थी दोस्तों राब्ता 2016 या 17 में। वो फिल्म दोस्तों काफ़ी एकदम हिस्टोरिकल मूवी थी, जो 400 साल पुरानी और 400 साल बाद की कहानी दिखाता है, जिसमें स्टार कास्ट थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार रॉय और कीर्ति सनन और भी बहुत सारे एक्टर्स थे दोस्तों। तो उसके कुछ सीन दोस्तों, जो कीर्ति सनन जो रहती उनके कबीले का जो घर दिखाया गया है, खंडर दिखाया गया है, वो ये कबीले मतलब यहाँ दिखाया जाता है दोस्तों। उसके कबीले का जो भी सीन रहता है, आपको मैं स्क्रीन शॉट के साथ साथ जितने भी सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, कम से कम 8-10 सीन रिकॉर्ड किया गया, वो सारे सीन मैं दोस्तों आप लोग को दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये किला देख लीजिए दोस्तों, ये वसई फोर्ट में ये किला है दोस्तों। काफ़ी पुराना किला है दोस्तों, काफ़ी पुराना बोले तो कम से कम ये बोलते कि 80,000 साल पुराना है दोस्तों। ये अंग्रेजों के टाइम का नहीं बना हुआ है दोस्तों, मराठी लोगों ने बनाया था दोस्तों इसको। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को शूटिंग लोकेशन दिखाता हूँ दोस्तों एक एक करके। दोस्तों राब्ता फिल्म का एक सीन इस हिसाब से लिया गया दोस्तों, बिल्कुल इस हिसाब से, जो कीर्ति सनन का मंगेतर रहता है उसको सुशांत सिंह राजपूत मार देता है और वो उसको घोड़े पे वाइट घोड़े पे लाद करके भेज देता है दोस्तों। वो इस हिसाब से घोड़ा जो रहता है वो एंट्री मारता है दोस्तों और उसके ऊपर वो पीठ पे लदा हुआ रहता है दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना ये दोनों चीज़ वो गेट उस टाइम बना के दिखाया गया है फिल्म में, और ये जो आपको छोटे छोटे दरवाजे दिख रहे हैं ना, इस पर भी खिड़की टाइप का बनाया गया है दोस्तों। अभी वो चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं 6-7 साल बाद आपको वो सीन दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। उसके बाद इस हिसाब से लेके आते आपको ये स्क्रीन शॉट से ये मैच कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे उसको ला के उतार देते, उसके बाद फिर दूसरे सीन में ही दोस्तों कीर्ति सनन जो भाग करके आती है ना दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। उनके डेड बॉडी, कुछ डेड बॉडी तो नहीं, वो मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है मतलब जख्मी हो जाता है। तो यहाँ पे वो लेटा हुआ रहता है उनकी वो बंदा, और कीर्ति सनन इधर से भागते हुए आते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड में कुछ उस टाइम बेफेक्स से जो गेट के उस पार है चेंज, आपको ये गेट ऐसे देखो, ये खांचा जो गेट का दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये दीवार देख सकते हैं, और ये दोनों जो ना ये दोनों जो दोस्तों उस टाइम वहाँ पे बंद करके खिड़की लगाया जाता है दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, वो सीन यहीं पे रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। उसके बाद कीर्ति सनन उसके जख्मी बंदे के साथ बैठ करके काफी लिपट के रोती है दोस्तों। वो कुछ यहाँ पे वो सीन इस हिसाब से दिखाया जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर अगले सीन, उसके बाद फिर एक सीन में दोस्तों सेम लोकेशन रहता है उस बार, इस बार क्या रहता है, ये दरवाज़ा जो बंद रहता है, गेट बंद रहता है दोस्तों, ये दोनों खिड़कियाँ भी बंद रहती, जो विंडो छोटा छोटा दिख रहा है, इस हिसाब से इस एंगल पे खड़ी होकर के कीर्ति सनन वो जो उनका जो बाप रहता है, पिताजी रहते हैं, उनके साथ मतलब उनसे आशीर्वाद लेकर के वो सुशांत सिंह से बदला लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो आप स्क्रीन शॉट से मैच करते हो वो भी सीन यहीं पे दिखाया जाता है दोस्तों। जितने भी सीन अभी मैं 3-4 सीन दिखाया यहीं पे, बस कभी गेट खुला रहता है कभी बंद रहता है, वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। उसका कुछ सीन दोस्तों जब कीर्ति सनन बाहर निकलती है उसको ये करने के लिए जाती है बदला लेने के लिए, वो सीन भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। उसके बाद दोस्तों एक सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जब कीर्ति सनन घोड़ा पे यहाँ पे चल करके वो सुशांत सिंह से बदला लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, आपको ये नारियल खजूर का झाड़ जो है वो दिख जाएगा, ये सब झाड़ दिख जाएगा। इस साइड पे थोड़ा बंद दीवार टाइप का है दोस्तों, एक किला है, किला के पास से इधर से वो निकलती है अपना घोड़ा लेके दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों। फिल्म में तो वो जो कहानी के हिसाब से सीन दिखाया जाता है तो कम से कम आज के टाइम पे से 400 साल पुरानी दिखाया जाता है दोस्तों, लेकिन अभी मैं 2022 में दिखाता हूँ दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, कीर्ति सनन इसी हिसाब से आगे आती है और सीन कट हो जाता है दोस्तों। फिर कुछ सीन अंदर का लिया गया है, मैं अंदर का दिखाता हूँ दोस्तों।
दोस्तों एक सीन इस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, जब कीर्ति सेनन चली जाती है यहाँ से, तो उसके जो जख्मी लड़का रहता है ना, जो उसका मंगेतर रहता है कीर्ति सेनन का, वो यहाँ पे रात के टाइम पे अपने तलवार को लेकर के घुमाते रहते, प्रैक्टिस करते रहते दोस्तों। तो आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों, आपको ये जो आपको दिखा रहा ना वो बच्चे दो, वहाँ पे वो कुआं दिख जाएगा दोस्तों स्क्रीन शॉट में, यहाँ पे वो काफ़ी, और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे संबल लगाया रहता है जो लोग का नकली टेम्पर बाड़ी के लिए लगाया रहता है शूटिंग के लिए दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहीं पे अगला सीन दो बच्चा जो कीर्ति सेनन और वो लड़का जो रहता है उसके बचपन का जो सीन दिखाया जाता है दोस्तों, वो लोग तलवारबाजी करते रहते हैं, वो कुछ इस हिसाब से दिखाया जाता है दोस्तों स्क्रीन शॉट के साथ। मैच सकते हैं आपको पीछे गैप दिखाई दे रहा होगा, आपको ये बच्चे कुमार के पास ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दोनों बच्चे तलवारबाजी करते रहते हैं दोस्तों। स्क्रीन शॉट के साथ आप मैच कर सकते हैं, इस हिसाब से सीन रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। कुछ सीन है दोस्तों जो उधर से रिकॉर्ड किया गया, इधर पे वो चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। एक सीन दोस्तों इधर से रिकॉर्ड किया जाता है, आपको ये जो दीवार दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में कुछ, वो डीप सीन लिया गया दोस्तों, इस हिसाब से लिया गया शायद, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से सीन रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर सीन यहाँ का और भी रहता है दोस्तों, जो कि मतलब नहीं है दिखाने के लिए, अंदर अंदर का सीन रहता है जो स्क्रीन शॉट से मैच ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आप लोग को यहाँ का शूटिंग लोकेशन दोस्तों, राबता का दोस्तों, ये वसई फिल्म का शूटिंग लोकेशन है, जगह है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी कभी भी आ सकते हैं, कोई टिकट कोई चार्जेस नहीं रहता है दोस्तों, कोई भी फ्रीली आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।